हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्स होगा वो हिंदी में होगा। अगर आपके डिमांड होगी तो मैं इंग्लिश में कोर्स को बना दूंगी, ठीक है। अभी ये हिंदी में होगा क्योंकि हिंदी में लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो हिंदी में है। अगर आप कहेंगे तो मैं फर्दर इसको कन्वर्ट कर दूंगी इंग्लिश में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर वास्को डगामा अराइव्ड एट कैलीकट। वास्को डगामा कैलीकट कब आता है? तो ये 1498 में कैलीकट में आता है, 1498 में आता है। देखिए, वास्को डगामा वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, कैलीकट के वेस्टर्न कोस्ट में, 20 मई 1998 में आता है। एक नया सी रूट ये ढूंढ लेता है इंडिया के लिए, ठीक है। और जो कैलीकट का किंग होता है जमोरिन उसका जो है स्वागत करते हैं, जैसे हमारे होता है ना अतिथि देवो भव, तो उसी वजह से उसका स्वागत किया जाता है। और ये जो वास्को डगामा होता है, ये वापस जब जाता है तो बहुत ही ज़्यादा फायदे से जाता है, ठीक है ना। 60 times फायदा कमा लेता है। किससे? ये जो ब्लैक पेपर का ट्रेड है, काली मिर्च के ट्रेड से खूब फायदा कमाता है ये, ठीक है। और जब इतना फायदा हो जाता है तो फिर से दोबारा इंडिया में आता है। उसके बाद ये अपने पोर्ट्स वगैरह इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो पोर्चुगीज होते हैं वो अपने पोर्ट्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं। कहाँ पे? कैलीकट में, गोवा में, दमन, दीव और हुगली में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं ये लोग। और उसके बाद जो है फिर होता है जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इंडिया में 1505 में आता है एज अ वायसराय, पोर्चुगीज वायसराय बन के इंडिया में आ जाता है। और अल्बुकर्क जो होता है वो 1509 में एक दूसरा जो है वायसराय होता है, वो इंडिया में आता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहला जो वायसराय होता है पोर्चुगीज का, पहला वायसराय वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता है, सेकंड वायसराय अल्बुकर्क होता है, लेकिन जो रियल संस्थापक होता है पोर्चुगीज आपका पावर का इंडिया में, वो होता है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क बड़ा आक्रामक होता है। अल्बुकर्क 1509 में ही आता है और जस्ट एक साल बाद 1510 में जो है वो गोवा को अनेक्स कर लेता है। और गोवा को अनेक्स किससे करता है, ये क्वेश्चन है। गोवा को अनेक्स करता है बीजापुर के रूलर आदिल शाह से। किससे? आदिल शाह से गोवा को अनेक्स कर लेता है, ठीक है। पोर्चुगीज मेंटेन गोवा एज द ईपी सेंटर ऑफ देयर कल्चर एंड एंटिटी, ठीक है। तो पोर्चुगीज क्या करते हैं, गोवा को अपना ईपी सेंटर जो है बना लेते हैं, अपना अधिकेंद्र बना लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से क्या क्या निकली, जो वास्को डगामा होता है इंडिया में 1498 में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट जो वायसराय होता है पोर्चुगीज का, वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता है और वो इंडिया में आता है 1505 में। सेकंड वायसराय और वो कौन होता है, वो होता है आपका अल्बुकर्क, वो आता है 1509 में और 10 में ही वो गोवा को अनेक्स कर लेता है बीजापुर के रूलर आदिल शाह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, When did Vasco da Gama came to India? Vasco da Gama इंडिया में कब आता है? 1498 में आता है, आपको पता है ये 1498 में आता है, जो है 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आ जाता है और अल्बुकर्क 1509 में आता है, गोवा को अनेक्स कर लेता है, ठीक है। Who was the first Portuguese Viceroy in India? Viceroy जो कौन पोर्चुगीज पहला पोर्चुगीज वायसराय कौन है, तो फ्रांसिस्को जो है डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यहाँ पे अल्मीडा सिर्फ लिखा हुआ है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पूरा नाम है उसका। और हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम द वास्को डा गामा एट कैलीकट, तो कौन वेलकम करता है, जमोरिन करता है, जमोरिन बहुत स्वागत करता है उसका, ठीक है। किसका? जो आपका जो है ये होता है अल्मीडा होता है, ठीक है। तो इसका जो है जमोरिन स्वागत करता है अपने राज्य में, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ देखिए मैच कराना है इसमें। देखिए वास्को डा गामा क्या होता है, वो पुर्तगाल का होता है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन का होता है, कैप्टन कुक जो है ब्रिटेन से आता है और जो तस्मान है वो हॉलैंड से आता है, ठीक है। तस्मान हॉलैंड से आता है। फिर से देख लीजिए, वास्को डा गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक फ्रॉम ब्रिटेन एंड तस्मान इज़ फ्रॉम हॉलैंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और हमने ये कर लिया। न्यू तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड, जो तस्मान जो है हॉलैंड, हॉलैंड जो है तस्मान एक्सप्लोर्ड वॉन डेमेंस लैंड, न्यू तस्मानिया और न्यूजीलैंड, ये आप छोड़ दीजिए, इसको ज़रूरी नहीं है। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, तो हमने पहले देख लिया था अल्बुकर्क है, ठीक है। रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया वॉज अल्बुकर्क, ठीक है, वॉज अल्बुकर्क। और 1505 टू 15 जो है 1515 में इसका जो टाइम था, ही इस्टेब्लिश पोर्चुगीज स्टेट एज अ पावरफुल रीजनल पावर इन इंडिया, ठीक है। एक बहुत ही पावरफुल पोर्चुगीज स्टेट इंडिया में बना लेता है, वो गोवा को अनेक्स कर लेता है सुल्तान ऑफ बीजापुर से इन 1510, ठीक है। 1509 में तो आता ही है, ठीक है। और बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होता है अल्बुकर्क का, विक्ट्री ऑफ गोवा कंसोलिडेटेड द पोर्चुगीज मोनोपोली एट द साउदर्न वेस्टर्न नेवल कोस्ट, जो पोर्चुगीज की मोनोपोली होती है, पोर्चुगीज का एकाधिकार होता है, वो जम जाता है गोवा को अनेक्स करने के बाद, ठीक है।
अब क्या होता है कि वो इनकरेज करता है पोर्चुगीज को, लोगों को मैरी करने के लिए कि इंडियन वुमेन से मैरी करो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पोर्चुगीज, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, अपना एक होल्ड जमाना चाहता है, तो वो जो है इनकरेज करता है कि इंडियन वुमेन से मैरी करो, ठीक है, किसके लिए, प्रेजेंस के लिए, इंडिया में प्रेजेंस हो पोर्चुगीज का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट कॉलोनीज, वो चाहता है कि इंडिया में परमानेंट कॉलोनी बन जाए उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। तो हमने देखा कहाँ पे, गोवा में कोचीन में बनाया था उन्होंने, पहला फोर्ट्रेस जो है कोचीन में बनाया था। तो फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट्रेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये जो है कहाँ पे, कोचीन में बनाया था। एंड इन कोचीन 1503 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कंस्ट्रक्टेड द पोर्चुगीज फोर्ट्रेस इन जो है कन्नौर एंड अंजीदेव, ठीक है, अंजीदेव और कन्नौर में जो है 1506 में। तो पहले अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 में जो है अपना फोर्ट बना देता है कोचीन में, और उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होता है, वो जो है अपना फोर्ट्रेस बनाता है कन्नौर और अंजीदेव में कहाँ पे, 1506 में, ठीक है, अल्मेडा। देखिए, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू केम टू इंडिया, तो ये जो है आपका जो है पोर्चुगीज है। एक इसका सरल तरीका है P D E F कहाँ से लिखूं, मतलब इसके समझ लीजिए कि बगल में F है, ठीक है, PDEF होता है ना, तो PDF की जगह E बीच में डाली, तो पहले पोर्चुगीज आए, फिर क्या डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए, यही जो है याद रखिएगा, ठीक है। पोर्चुगीज वो द फर्स्ट यूरोपियंस टू केम टू द मिडिवल इंडिया फॉर ट्रेड, ठीक है, वो ट्रेड के लिए इंडिया में आते हैं, द फर्स्ट पोर्चुगीज एंड यूरोपियन। अब देखो, वास्को डी गामा होता है, वो कोस्ट ऑफ कैलीकट के कोस्ट में 1498 में आ जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि वो गुजराती एक पर्सन होता है, अब्दुल माजिद नाम होता है, वो उसको हेल्प करता है, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन हेल्प कर रहा है, तो गुजराती जो एक पर्सन होता है अब्दुल माजिद, वो हेल्प करता है। और क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेड पावर्स इन इंडिया एज फॉलोज, कैसे, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, जो मैंने बताया था, पहले पोर्चुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। पोर्चुगीज केम टू इंडिया इन 1498 एंड रिटर्न टू 1961। पहले सबसे जो आया और सबसे बाद में गया कौन है, वो पोर्चुगीज है, जो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। पहले कब आ रहे हैं, 1498 में आते हैं, और चले कब जाते हैं, 1961 में जाते हैं, सबसे लेट में जा रहे हैं, ठीक है। Who were the first Europeans to set a sea trade centers in India? ठीक है, sea trade center कौन, Portuguese लोग थे, ठीक है। All the European powers in India, Portuguese traders were the first who established the maritime trade center in India. ठीक है, maritime trade center India में खोल देते हैं ये। तो पहला जो Portuguese होता है Francisco de Almeida, ठीक है, वो क्या करता है, annex कर लेता है दीव को, ठीक है, 1509 में, कौन से, Francisco de Almeida, वायसराय ऑफ दीव एंड पोर्चुगीज मोस्ट पावरफुल इन इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही पावरफुल जो है लोग होते हैं, इंडियन ओशन में अपना बहुत बड़ा इनका दबदबा हो जाता है, ये जो है मोनोपोली जो है क्रिएट कर लेते हैं ऑल ओवर जो है इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन में इनका मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। अब क्या है हमारा, हाँ, और ये क्या करते हैं, टैक्स लेवी करने लगते हैं, टैक्स जो है लगाना शुरू कर देते हैं ये लोग, ठीक है, जब इन्होंने अपना ओशन पे ट्रेड कर लिया जो है, कंट्रोल कर लिया, तो ये टैक्स जो है लगाना शुरू कर देते हैं शिप्स पासिंग थ्रू देयर एरियाज, ठीक है, जो उनके एरिया जो जो कवर किया, जो कैप्चर किया होता उन लोगों ने, अगर वहाँ से कोई शिप्स पास करती हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो है वहाँ से उनसे टैक्स लेते हैं। अब देखिए होता क्या है इसके बैकग्राउंड में, कि अरब जो ये लोग रहते हैं वो इंडिया में पहले से प्रेजेंट रहते हैं, ये जो है पोर्चुगीज़ के पहले, अब अरब लोग जो प्रेजेंट रहते हैं तो वो उन लोग भी वही ट्रेड करते हैं, लेकिन जब ट्रेड उनके रूट से जाता है पोर्चुगीज़ के, हालांकि वो किसी का होता नहीं है, वो इंडिया के अगल बगल का एरिया है, इंडिया की तरफ जो है अगर वहाँ से ट्रेड वो लोग करते हैं तो जो है अरब लोगों को भी ये परेशान करना शुरू कर देता है, उनसे भी जो है टैक्स वगैरह लेते रहते हैं। अभी इंटरफेयर ये लोग और भी करेंगे, ये जो बादशाह वगैरह हैं उनके भी जो है जाके इंटरफेयर करेंगे, अभी हम देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग जो है फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश बाय द पोर्चुगीज, ठीक है, तो कौन सी, हुगली में जो है फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश हुई थी पोर्चुगीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेनेशन देख लेते, पोर्चुगीज ऑब्टेन द परमिशन टू इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन जो है सतगांव एंड चटगांव, ठीक है, चटगांव और सतगांव में जो है परमिशन मिल जाता है किससे, बंगाल का जो रूलर होता है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, याद रखिएगा गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, ये परमिशन दे देता है कि सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रीज आप लगा लो, ठीक है।
आफ्टर द पोर्चुगीज कॉलोनीज वर सेट अप इन होल जो है होल बंगाल चटगांव नोन एज द ग्रेट पोर्ट ऑफ द पोर्चुगीज मैरिटाइम वाज यूज्ड बाय देम इन 16th सेंचुरी एंड चटगांव डिक्लाइन एज वाज रिप्लेस्ड बाय द हुगली. ठीक है, तो चटगांव का बहुत बड़ा प्रोमिनेंस हो जाता है, ग्रेट जो है बहुत बड़ा पोर्ट बन जाता है और धीरे धीरे जो चटगांव होता है वो 16th सेंचुरी में डिक्लाइन कर जाता है क्योंकि हुगली उसकी जगह ले लेता है. ठीक है, अब क्या है कि एक जो है डच अपना फोर्ट बनाते हैं, उसका नाम है गुस्टाव्स. ठीक है, गुस्टाव्स इन चिंसुरा में एक फोर्ट बना रहे हैं, इसका नाम है गुस्टाव्स. चिंसुरा में एक फोर्ट बना लेते हैं और ये क्या होता है कि हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है विच विद रेफरेंस टू द पुडुचेरी नाउ पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, पुडुचेरी के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है आपके हैं वो हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है. देखिए, द फर्स्ट यूरोपियन पावर्स टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वर पुर्चुगीज. बिल्कुल सही है, पुर्चुगीज लोगों ने पहली बार जो है पुडुचेरी को क्या किया था, ऑक्यूपाई किया था. सेकेंड जो है कौन थे, पुडुचेरी फ्रेंच थे, फ्रेंच लोगों ने ऑक्यूपाई किया और इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पुडुचेरी. बिल्कुल गलत हो गया है ना, इंग्लिश ने ऑक्यूपाई किया था. द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी एंड टू असर्ट द पावर इन इंडिया वर पुर्चुगीज. ठीक है, तो पुर्चुगीज लोग पहले लोग थे जो पुडुचेरी को कैप्चर किए और अपना पावर सेट कर दिए. डच वर द सेकेंड. ठीक है, डच सेकेंड थे और यहाँ पे फ्रेंच लिखा है तो फ्रेंच गलत हो गया, डच होना चाहिए यहाँ पे. तो डच लोग जो है सेकेंड थे और ब्रिटिशर्स आल्सो ऑक्यूपाइड द पुडुचेरी इन 1793 में ब्रिटिशर्स भी जो है अपने भी जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है कि फ्रेंच को दे देते हैं, फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच पीपल को दे देते हैं 1814 में और एक ट्रिटी होती है, ट्रिटी ऑफ पेरिस. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे. ट्रिटी ऑफ पेरिस में जो है उसके अंतर्गत ये लोग जो है फ्रेंच को जो है ये पुडुचेरी वापस कर देते हैं. कौन, ब्रिटिशर्स दे देते हैं फ्रेंच को. नेक्स्ट हमारा है, हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय. ठीक है, तो पायरेसी का काम जो है खूब किया था पोर्चुगीज ने, तो हुगली जो है पायरेसी का एक बेस था. ठीक है, तो ये जो है कासिम खान हु वॉज द गवर्नर ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग द शाहजहां रेन फाइनली सब्ड्यूड एंड इम्प्रिजन थाउजेंड्स ऑफ पोर्चुगीज. ठीक है, कासिम खान जो है बहुत नाराज था. ठीक है, वो क्या था, वो जो है गवर्नर था कहाँ का, बंगाल का. और जो है जो शाहजहां थे वो क्या थे, वो तो सम्राट थे. ठीक है ना, तो बादशाह थे वो भारत के और कासिम खान जो था वो जो है बंगाल का नवाब था. वो बहुत नाराज़ होता है और वो जो है बहुत सारे जो पुर्चुगीज होते हैं उनको प्रिजनर बना लेता है क्योंकि वो लूटपाट करते रहते हैं हुगली के एरिया में. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी. ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन सा संबंधित है. ठीक है, तो देखिए डी अल्मीडा जो होता है ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित होता है. ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो होता है फर्स्ट वाइस राय पोर्चुगीज पोजिशन इन इंडिया, पहला वाइस राय होता है. अल्बुकर्क सेकंड होता है. ठीक है, अल्बुकर्क सेकंड होता है, फर्स्ट कौन सा होता है, अल्मीडा होता है. अल्मीडा जो है क्या करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी से जो है वो संबंधित होता है. और द पोर्चुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन अरेबियन सी एंड इंडिया. ब्लू वाटर मतलब होता है नीली जो है आपका पानी. ठीक है, समुद्र, उसमें मतलब क्या होता है कि पानी में जो है पूरा आधिपत्य जो है वो पोर्चुगीज का होना चाहिए. इंडियन ओशन में पूरा आधिपत्य पोर्चुगीज का हो, तो ब्लू वाटर पॉलिसी फॉलो किया था फर्स्ट वाइसराय था आपका अल्मीडा. ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कलकत्ता, तो जॉब चार्नॉक. ठीक है, जॉब चार्नॉक जो था उसने जो है कलकत्ता को फाउंड किया था. देखिए, द चीफ ऑफ द कासिम बाजार फैक्ट्री था, है ना, कासिम बाजार फैक्ट्री का वो चीफ था जॉब चार्नॉक और उसने जो है सेलेक्ट किया सुतीनाती. ठीक है, सुतीनाती इंस्टेड ऑफ हुगली, हुगली की जगह उसने सुतीनाती को जो है क्या किया, सेलेक्ट किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड. ठीक है, ब्रिटिश ट्रेड के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जॉब चार्नॉक ने सुतीनाती को जो है सेंटर बनाया, ना कि हुगली को. ठीक है, फाइनली ही फाउंडेड कोलकाता, और फाइनली जो है वो कोलकाता बना जो है फाउंड कर लेता है फ्रॉम द इंग्लिश कंपनी. ठीक है, हु फाउंडेड कोलकाता, तो जॉब चार्नॉक जो होता है वो कोलकाता को फाउंड करता है. विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. वो लोग इंडिया में आए यूरोपियन, कौन सा उसके बारे में कथन जो है वो सही नहीं है. पहला हमारा पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499. तो देखिए 1499 तो था ही नहीं, हमने देखा था कि 1509 में अल्बुकर्क आया था और 1510 में जो है गोवा को कैप्चर कर लिया, तो ये गलत हो गया. दूसरा है, इंग्लिश ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री एट इन साउथ एट मसूलीपट्टनम. साउथ की अगर बात कर, इंग्लिश की बात कर रहे हैं ठीक है, तो कोचीन में तो पोर्चुगीज ने खोली थी, इंग्लिश ने जो है मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली. ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये हमें पूछना है, तो हमारा ए सही नहीं हुआ, बाकी सारा सही है. तो हमें जानना है डाटा, ठीक है ना, हमें जो है फैक्ट जानना है, फैक्ट समझिए. ईस्ट इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन हिज फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा. तो जो ईस्ट इंडिया में
जो इंग्लिश लोग होते हैं अपनी पहली कंपनी ओडिशा में खोल देते हैं 1633 में. बिल्कुल सही है. अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746. देखिए जो फ्रेंच होते हैं वो डुप्लेक्स की जो है उसमें लीडरशिप में मद्रास में अपनी जो है अपना ऑक्यूपेशन जो है स्टार्ट कर देते हैं 1746 में. तो सारा सही हमारा. देखिए पोर्चुगीज गवर्नर अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर आदिल शाह से. बीजापुर का आदिल शाह से छीन लेते हैं ना, तो कब छीनते हैं ये, 1510 में छीनते हैं, 1499 में ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया कौन थे? डच लोग थे जिन्होंने पहला जो है कंपनी बनाया था जो है इंडिया में जो है ट्रेड करने के लिए. ठीक है ना. 17वीं सेंचुरी में जो है हॉलैंड वॉज नॉट वेरी पावरफुल. ठीक है, बहुत पावरफुल नहीं था. और जो है सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैक्रो कंपनीज एंड द फेडरल कॉन्सेप्ट ऑफ द नीदरलैंड हॉलैंड रिफ्लेक्टेड क्लियरली. मतलब छोटी छोटी कंपनीज बना रहे थे वो, बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल नहीं थे. ज्वाइंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप बाई द रेजोल्यूशन ऑफ डच पार्लियामेंट 1602. 1602 में जो है डच पार्लियामेंट जो है ये अनुसंधान करती है कि एक डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खोली जाए. ठीक है, तो जो है एक ज्वाइंट जो है डच इंडिया कंपनी खोली जाती है. और इनिशियली जो है कैपिटल जो लगता है वो जो है गिल्डर होता है उनके यहाँ, 650,000 गिल्डर उसका जो है उतनी इन्वेस्टमेंट की कंपनी खुलती है. और ये जो पार्लियामेंट उनको अथोराइज कर देती है 21 साल के लिए कि इंडिया में जाओ ट्रेड करो आराम से, तो उनको बता देती है कि ट्रेड करो. ठीक है. अब होता क्या है कि कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स ऑफ द डच कंपनी वॉज लोकेटेड इन कहाँ पे? जकार्ता में है. जकार्ता में होता है ये सारी चीज़ें होती है. तो डच का मतलब होल सोल में ये है कि इट्स पार्टनर्स वर इन द फॉर्म ऑफ द प्राइवेट ग्रुप्स. मतलब बहुत ही जो है इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो चाहे स्टेक होल्डर की तरफ से हो. जो डच की कंपनी बनती है वो बहुत पावरफुल नहीं होती है. ठीक है, बहुत ही पावरफुल नहीं होती है वो. तो डच लोग लेकिन पहले लोग थे जिन्होंने इंडिया में कंपनी अपनी जो है इंडिया भेजा इंडिया में ट्रेड करने के लिए. तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया. तो कहाँ कहाँ पे? नागापट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद में और जो है पटना में. हर जगह उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा है, ये इसमें ईयर दिया हुआ. नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए डच डिफीटेड द पोर्चुगीज है ना, डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ड द फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची. तो डच ने क्या किया, पोर्चुगीज को डिफीट कर दिया और मॉडर्न कोची में उन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी. बिल्ड फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची. ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो डच जो है अपने डच ने डिफीट कर दिया पोर्चुगीज को और फोर्ट विलियम्स जो है खोल दिया कहाँ पे, मॉडर्न कोची में 1663 में. कोची वॉज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश कॉलोनियल रीजन इन 1814. लेकिन जो है कोची जो है बाद में ब्रिटिश लोगों ने कोची को कैप्चर कर लिया और 1814 में अपने में मिला लेते हैं वो लोग. द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एब्सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है, क्यों जो है वो लोग सक्सेसफुल हुए इंडिया में, ईस्ट इंडिया के लोग जो आए बाहर के लोग वो क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म राष्ट्रवादिता वाली बात नहीं थी, वो फीलिंग नहीं थी उस टाइम. सभी लोग अपने अपने में मस्त, सारे राजा अपने में मस्त थे. ठीक है, तो ये चीज़ थी. देखिए ऑल द थ्री फैक्टर्स आर हेल्पफुल इन द सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. कौन सा? इट वॉज नोन एज द ग्रुप कॉल एज द मर्चेंट्स एडवेंचर्स इन इंग्लैंड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी और द गवर्नर और द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया इन इंडीज. ठीक है, ये नाम बता रहा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है. 1600 में क्वीन एलिजाबेथ और इंग्लैंड की होती है, वो रॉयल चार्टर एक बना देती हैं और कहती हैं कि अब आपको आदेश है कि आप जाइए 15 साल के लिए इंडिया में राज करिए. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया. तो है लीवेंट कंपनी. लीवेंट कंपनी को पहला चार्टर मिला था. ठीक है, लीवेंट कंपनी जो थी जिसको पहला चार्टर मिला था. ठीक है, लीवेंट कंपनी हैड गॉट द फर्स्ट चार्टर फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया बाय द लैंड रूट्स. ठीक है, लैंड के थ्रू. ठीक है, वो ओशन से नहीं आए थे लीवेंट वाले, लैंड से आए थे. लैंड रूट से उनको चार्टर मिल गया था. ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग इंडीज परमिटिंग बाई सी रूट. ठीक है, तो जो महारानी एलिजाबेथ होती है वो सी रूट से जो है उनको जो है ग्रांट करती है, परमिशन देती है कि सी रूट से जाइए और आप जो है क्या करिए, क्या कहते हैं, इंडिया में जाके अपना वो करिए है ना, ट्रेड रोड करिए. ठीक है, तो वो जो है परमिशन दे देती हैं सी रूट से जाने के लिए. ठीक है, अब होता क्या है कि हाँ, दिस कंपनी एक्सटेंडेड इट्स ट्रेड विद द मर्जर ऑफ द न्यू कंपनीज इन 1709 एज द न्यू नेम ऑफ द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ. मतलब और छोटी मोटी जो कंपनी होती है सब फिर उसको मिला के एक बड़ी कंपनी बना लेती है कि छोटी कंपनी से काम नहीं चलेगा और सभी लोग मिलके छोटे छोटे में ना जाए, हम लोग सब लोग एक साथ जाएंगे, वहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्परर
एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया. ठीक है, लंदन से जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उस टाइम जो जो है एम्परर था वो कौन था, वो अकबर था. ठीक है, अकबर था. तो लंदन में 1599 में जो है एक मीटिंग होती है, मीटिंग इन लंदन इन 1599 प्रेसाइडेड बाय द लॉर्ड मेयर. लॉर्ड मेयर एक मीटिंग करते हैं, प्लान बनाया जाता है ट्रेडिंग के लिए कि ईस्ट में जाके ट्रेड करना है. ठीक है, और जो है वो आते हैं, और उस टाइम जो एम्परर होते हैं इंडिया में वो अकबर होते हैं. अकबर का समय 1556 से लेकर 1605 होता है, 1556 to 1605. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विश मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया. तो पहली फैक्ट्री जो इंग्लिश लोग इंडिया में अपनी जमा लेते हैं वो किसके, वो जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, है ना, जहांगीर के टाइम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन है. अभी देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश होती है पहली बार, जो टेम्प्रेरी जो है फैक्ट्री होती है इंडिया में मुगल के टाइम पे, जहांगीर इन मसूलीपट्टनम. कहाँ पे, जहांगीर के समय, जहांगीर जो है उस टाइम बादशाह होते हैं, मसूलीपट्टनम में जो है वो कंट्री लग जा फैक्ट्री लगती है. ठीक है, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में 1611 में, याद रखिएगा 1611 में. ठीक है, और पहली परमानेंट जो है वो, ये जो है टेम्प्रेरी होती है, लेकिन पहली परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री जो लगती है वो सूरत में लगती है 1613 में, सूरत में लगती है 1613 में. ठीक है ना, तो ये 1613 में. Where in India did the Britishers just set up their first factory in India? तो पहली factory जो है permanent जो factory होती है वो सूरत में 1612 में. ठीक है, Captain William Hawkins reached to the Mughal court from Surat in 1608 and built his and did not succeed to the get permission. समझिए, जो Captain William Hawkins होता है Mughal court जाता है सूरत में 1608 में. ठीक है, कब जाता है, 1608 में जाता है, लेकिन उसको सक्सेस मिल नहीं पाती, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जाता बस है. ठीक है, और परमिशन उसको नहीं मिल पाती फैक्ट्री बनाने की. ठीक है, अब होता क्या है कि जो है डिस्पाइट पोर्चुगीज एंटागोनिज्म कैप्टन मिडिलटन लैंडेड एट स्वाली नियर द सूरत एंड सक्सीडेड टू गेट परमिशन फॉर द ट्रेड बाय द मुगल एम्परर. ठीक है, अब क्या होता है कि जो पोर्चुगीज होते हैं पहले, जब पोर्चुगीज पहले से इंडिया में होते हैं तो वो कभी पसंद करेंगे कि जो है इंडिया में ये हमारे कॉम्पिटिटर आ जाए, तो वो तो जो है राजाओं का, ये जो महाराजा लोग थे, जो बादशाह थे, उनका कान भरते रहते थे. ठीक है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कैप्टन मिडिलटन जो थे, क्या नाम है इनका, कैप्टन मिडिलटन, बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टन मिडिलटन, इनका भी नाम याद रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस. ठीक है, तो कैप्टन मिडिलटन स्वाली में आते हैं सूरत के पास, और जो है उनको परमिशन मिल जाती है, वो किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं मुगल गवर्नर जो है फॉर ट्रेड बाय मुगल गवर्नर, उनको ट्रेड के लिए जो है परमिशन मिल जाती है. और कैप्टन बेस्ट डिसॉल्व द पोर्चुगीज मोनोपोली विद द विक्ट्री ऑफ द सूरत पोर्ट. ठीक है, उनको ट्रेड के लिए मिलता है. ठीक है, कैप्टन मिडिलटन को ट्रेड के, लेकिन कैप्टन बेस्ट जो होते हैं उनको जो है अब पोर्चुगीज जो होते हैं उनकी मोनोपोली, उनकी एकाधिकार को ख़त्म करने की बात सामने आ जाती है. क्यों, क्योंकि सूरत में जो है पोर्ट बनाने का जो अधिकार मिल जाता है कैप्टन बेस्ट को. किसको, कैप्टन बेस्ट को. अब इंग्लिश जो है वो एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं 1613 में, और वो अपना ट्रेड एक्सपेंड करते जाते हैं, उसके बाद फिर वो कभी रुकते नहीं इंडिया में. ठीक है, इस्टेब्लिश कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज इन अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, इमीडिएटली तुरंत ही जैसे ही उनको सूरत में मिलता है, धीरे धीरे वो राजा सैयद हज़रत बात करके वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं. तो फिर वो अहमदाबाद में भी करते हैं, बुरहानपुर में करते हैं, अजमेर में करते हैं, आगरा में करते हैं, हर जगह अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं. द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश एट, पहली फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में 1612 में. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियस डिफीटेड पोर्चुगीज एज स्वाली. ठीक है, तो स्वाली में जो है किसने जो है कौन सी पोर्चुगीज को किसने डिफीट किया था, कैप्टन बेस्ट होते हैं वो उन्होंने डिफीट किया था स्वाली में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत. तो कौन था जो अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री लगाते हैं, वो इंग्लिश लोग थे. इंग्लिश में जो है, इंग्लिश ने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई होती है. ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश द फैक्ट्री एट सूरत. ठीक है, और जहांगीर जो है उनको परमिशन कौन दे देता है, जहांगीर. ठीक है, जहांगीर परमिशन दे देता है कि चलो ठीक है अपनी फैक्ट्री लगा लो, परमानेंट फैक्ट्री सूरत में लग जाती है 1613 में. ठीक है, 1613 में. और जो डच होते हैं, डच इस्टेब्लिश फैक्ट्री इन सूरत इन 1616. तो 1613 में किसने लगाया, अंग्रेजों ने लगाया, मतलब ब्रिटिशर्स ने लगाया. 1616 में जो है डच लोग लगा लेते हैं, और फ्रेंच लोग लगाते हैं 1668 में, काफ़ी बाद में 1668 में. तो 1613 में जो है कौन लगाता है, इंग्लिश, फिर डच लगाते हैं 1616 में, और 1668 में जो है फ्रेंच लोग लगा लेते हैं.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर 1613 वर वाज वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप द सेटअप अ फैक्ट्री. तो सूरत में जो है 1613 में परमिशन मिल जाती है कि फैक्ट्री सेटअप कर लो. कौन? शाहजहां जो है. कौन देता है? जहांगीर, सॉरी जहांगीर जो है परमिशन दे देता है. और बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी कब? पोर्चुगीज से जो है ईस्ट इंडिया का जो है बॉम्बे ये लोग ले लेते हैं, पोर्चुगीज से डाउरी के फॉर्म में ले लेते हैं. देखिए कैसे, बॉम्बे वॉज रिसीव्ड एज अ डाउरी गिफ्ट बाय द पोर्चुगीज. तो शादी होती है, चार्ल्स प्रिंस होते हैं जो ब्रिटेन के होते हैं, और जो है एक रानी होती है कैथरीन ब्रिगेंजा. क्या नाम होता है? कैथरीन ब्रिगेंजा. तो चार्ल्स प्रिंस और कैथरीन ब्रिगेंजा की जो है शादी होती है, और जो ब्रिगेंजा होती है यानी कि पुर्तगाल होता है, उनके जो है डाउरी के फॉर्म में जो ये पोर्चुगीज लोगों को जो है दे दिया जाता है बॉम्बे, कि आप बॉम्बे में लेके जाओ उसको. ठीक है, तो बॉम्बे हमारा होता है लेकिन डाउरी में वो लोग दे देते हैं. तो डाउरी उनके यहाँ भी चलती थी, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं थी. ठीक है, तो 1661 में ये था. चार्ल्स सेकेंड गेव द बॉम्बे टू इट्स ईस्ट इंडिया कंपनी. तो चार्ल्स सेकेंड होते हैं, बॉम्बे जो है बॉम्बे वो बेच देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, दे देते हैं, कहते हैं ले जाओ 10 पाउंड मुझे दो और जो है रेंट दो मुझे, है ना, सेल कर देते हैं, मतलब रेंट पे दे देते हैं. और ये 1668 में है ना, चार्ल्स जो है सेकेंड ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं हमारे काम का तो कुछ है नहीं, तो तुम लोग वहीं पे हो, ट्रेड करो, तो तुम लोग ले लो और मुझे जो है इसका रेंट दिया करो 10 पाउंड. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज अनेक्स्ड बाई औरंगजेब. ठीक है, तो औरंगजेब एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब. ठीक है, तो कौन एक्सपेल कर देता है, खदेड़ देता है, भगा देता है कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है गवर्नर को? तो ये सर जॉन चाइल्ड जो होता है, जॉन चाइल्ड को जो है भगा दिया जाता है. देखिए हाँ, तो देखिए ये वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में जो है 1688 में आता है एंड ट्राई टू कैप्चर मक्का पिलग्रिम्स. ठीक है, जो मक्का के लिए जो पिलग्रिम्स होते हैं वो जाने के लिए होते हैं, तो वो कैप्चर करने की कोशिश करता है, और औरंगजेब बहुत ऑफेंड हो जाता है, बहुत नाराज हो जाता है, उसको इंडिया से एक्सपेल कर देता है, भगा देता है, खदेड़ देता है. एंड ही वॉज फोर्स टू नेगोशिएट फॉर द पीस एंड बेंट हिज नीज बिफोर द मुगल एम्परर. वो जो है नेगोशिएट करने के लिए मजबूर हो जाता है, अपनी जो है घुटनों के बल वो झुकता है और जो है राजा से माफ़ी मांगता है कि जो है माफ़ करें उनको. ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. क्या था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का इमीडिएट जो है जो रीज़न था, क्यों हुआ था? तो देखिए ये जो था कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश. जो फ्रेंच की शिप्स थी ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, उन लोग का ऑलरेडी वॉर चल रहा था कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में. तो यहाँ पे जो है वॉर भी हो गया, यहाँ पे शिप भी कैप्चर कर लिया गया, ब्रिटिश लोगों ने कैप्चर कर लिया. तो देखिए फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर जो हुआ था, टाइम याद रखिएगा, 1746 to 1748. ठीक है, 1746 to 1748 वॉज ऑपशूट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. क्या था? ऑपशूट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन. ठीक है, अब देखिए 1740s में, कब 1740s में, द ब्रिटिश कैप्टन बेनेट कैप्चर्ड द सम शिप्स. ठीक है, जो है ब्रिटिश कैप्टन होते हैं, क्या नाम होता है, बेनेट होता है, ब्रिटिश कैप्टन बेनेट कुछ जो है शिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर. ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन सेंट एन आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर्स अंडर द कमांड ऑफ द महफूज खान टू बिसेज द फ्रेंच इन द मद्रास ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. ठीक है, जो फ्रेंच आर्मी होती है उनके जो कैप्टन होता है वो कैप्टन पैराडाइज होता है. कौन होता है? कैप्टन पैराडाइज होता है. डिफीटेड द नवाब आर्मी. नवाब आर्मी के जो है नवाब जो है कौन होता है? नवाब नवाब अनवरुद्दीन होता है. उन लोग का आपस में ही कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है, तो नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट जो है 10,000 सेना भेजते हैं और महफूज खान को जो है लीडर बनाते हैं कि जाओ 10,000 सेना लेके जाओ और फ्रेंच को हरा के भगाओ. लेकिन फ्रेंच लोग क्या होता है कि फ्रेंच का जो कमांडर होता है वो कैप्टन पैराडाइज होता है. कौन होता है? कैप्टन पैराडाइज. वो डिफीट कर देता है नवाब की आर्मी को, कहाँ पे? बैटल ऑफ सेंट थॉम है. ठीक है, सेंट थॉम, बैटल ऑफ सेंट थॉम नियर अडियार रिवर. कहाँ पे? अडियार रिवर में बैटल ऑफ सेंट थॉम है. कहाँ पे है ये? ये तमिलनाडु में है. ठीक है, और ट्रिटी ऑफ एक्स ला शैपल. कौन सा ट्रिटी है? ट्रिटी ऑफ एक्स ला शैपल. तो एक्स ला शैपल होता है 1748 में, और ये जो वॉर है ऑस्ट्रेलियन वॉर जो है वो एंडेड द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन एंड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एंडेड विद द मद्रास वॉज रीपोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स अगेन. और ब्रिटिशर्स जो है फिर से मद्रास को कब्जा कर लेते हैं, ये वॉर जो है खत्म हो जाता है. ट्रिटी कौन सा होता है? ट्रिटी ऑफ एक्स ला शैपल. ठीक है, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज मेमोरेबल फॉर द वॉर ऑफ सेंट थॉम. सेंट थॉम की वजह से ये जो है वॉर मेमोरेबल होता है. कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच. ठीक है, हो गया.
मैच करना है हमें, तो देख लीजिए मैच करते हैं। देखिए, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल, बिल्कुल सही है। थर्ड कर्नेटिक वॉर एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो पहला आप याद रखिए, हमने तीसरा तो अभी पढ़ा नहीं है। तो पहला जो कर्नेटिक वॉर है ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल से होता है, याद रखिए अगर हो पाएगा, कि जो तीसरा वॉर होता है वो एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, पेरिस के ट्रीटी से जो है वो जो है खत्म होता है। सेकेंड कर्नेटिक वॉर इंक्लूसिव वॉर होता है, इनकॉन्क्लूसिव वॉर होता है, मतलब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ पाता है। सेकेंड कर्नेटिक वॉर का कोई रिजल्ट आता नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट मैसूर वॉर होता है, ब्रिटिशर्स जो है उसमें हार जाते हैं, पहले मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स जो है हार जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ द टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस, कौन सा ऐसा राजा होता है जो ये सोच कहता है कि इंडियन प्रिंसेस के आपस के झगड़े में इन्वॉल्व हो जाओ, उसी में इंगेज हो जाओ और उसके बाद अपना फायदा उठाओ। ये डुप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, ठीक है, डुप्लेक्स ऐसा करता है। तो डुप्लेक्स इनिशिएटेड द टैक्टिक्स विच वॉज लेटर अडॉप्टेड बाई द फ्रेंच इन इंग्लिश टू कॉन्कर इंडिया। तो डुप्लेक्स होता है, वो जो है कहता है कि जो आपका दो राजाओं के बीच के वॉर में जो है, उनके जो है बीच के डिस्प्यूट में अपने आप चले जाओ और अपना फायदा निकाल लो उनसे, लेकिन बाद में जो है इंग्लिश लोग ही एक्वायर कर लेते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम डुप्लेक्स वॉज डिप्लॉयड बाई द यूरोपियन आर्मी टू इंडियन कोर्ट्स एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन किंग, ठीक है। तो ये होता है द इन्वेंटर्स इन इंडिया पॉलिसीज़ फॉर द यूरोपियन एडवांटेज, तो मतलब अपनी पॉलिसी जो है बना रहे हैं इंडियन में फ़ायदा उठाने के लिए। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर फॉर अर्लीस्ट फैक्ट्री, सबसे पहली फैक्ट्री हमने देखा था, तो जो आपकी फ्रेंच लोग होते हैं, ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन कौन से लोकेशन पर फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, सब फ्रेंच ने, तो फ्रेंच ने भी सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो देखिए लुईस चौदहवां होते हैं, जो लुईस चौदहवां के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वित्त मंत्री होते हैं, वो कॉलबर्ट होते हैं, क्या नाम है, कॉलबर्ट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉलबर्ट ने। उन्होंने जो है बनाते हैं वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो है 1664 में 1664 में ये बनती है कंपनी। कंपनी वॉज दस क्रिएटेड एंड फाइनेंस्ड बाई द स्टेट, ठीक है, तो स्टेट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही जो कंपनी को क्रिएट करती है, फाइनेंस करती है। द कंपनी अंडर took a fresh expedition in 1667 under the command of the Francis Cannon, ठीक है, and set up the first French factory at Surat in 1668, ठीक है। तो पहली बार जो है जब इंडिया में आते हैं ये फ्रेंच लोग, तो सूरत में 1668 में अपनी पूरी फैक्ट्री बना देते हैं, 1668 में फैक्ट्री बना देते हैं। और द सेकेंड फैक्ट्री वॉज सेट अप एट मसूलीपट्टनम इन 1696, ठीक है। दूसरी सूरत में जो इनकी फैक्ट्री होती है जो है मसूलीपट्टनम में, पहली होती है कहाँ पे, 1668 में सूरत में, और दूसरी मसूलीपट्टनम में होती है 1669 में, ठीक है। और ये जो है हमारा मसूलीपट्टनम में जो एक गोलकुंडा का सुल्तान होता है ना, वो जो है इनको चार्टर बना के देता था कि ठीक है तुम भी अपना यहाँ पे आके व्यापार करो। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लुईस 14, याद रखिएगा लुईस 14 के टाइम पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच इंडिया कंपनी, तो कॉलबर्ट जो होता है, जो मंत्री होता है लुईस 14 का, वही जो है क्या होता है 1664 में ईस्ट इंडिया जो अपना फ्रेंच कंपनी है वो बना देता है, उसने बना दिया होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वाज एस्टैब्लिश बाय द डच, तो डच जो है चिंसूरा में जो है बंगाल अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, चिंसूरा में, डच लोग चिंसूरा में। तो फर्स्ट डच कंपनी इन द बंगाल वाज सेट अप एज द पीपली, ठीक है, पीपली में लगाते हैं 1627 में। कुछ दिनों बाद ही डच जो है बालासोर में चले जाते हैं पीपली से, और बट द ट्रेड ऑफ द डच स्टार्टेड प्रॉपरली इन बंगाल इन 1635, लेकिन उसका जो प्रॉपर ट्रेड होता है वो चिंसूरा में जब अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तब चल पाता है, ठीक है, 17th सेंचुरी तक ऐसा होता है। डच कंपनी जो है कासिम बाजार में, पटना में, ढाका में, और जो है आपका मालदा, बालासोर, ये जहाँ सब अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। द फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन, बिकॉज फ्रेंच क्यों नहीं अपने डेक्कन में अपनी पावर जो है कर पाते, क्योंकि इंग्लिश हैड स्ट्रॉन्ग आर्मी, है ना, इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है। वन मेजर कॉज ऑफ द फ्रेंच फेल्योर एंड देयर वीक नेवल स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्रेंच की जो कमज़ोर नेवल स्ट्रेंथ थी वही जो है उनका एक कारण थी कि वो जो है इंडिया में जो है अपनी अपना पैर जमा नहीं पाए। अकॉर्डिंग टू वॉल्टेयर कहते हैं कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन द फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस सो बैडली दैट नेवी हैड हार्डली एनी बैटल शिप लेफ्ट इन द 7 ईयर्स वॉर, ठीक है, लेफ्ट इन द 7 ईयर वॉर। और जो है वो जो आपका ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन होता है, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करने का दोनों जो है आपस में जो है झगड़ा होता है, किसका, फ्रेंच का और इंग्लिश लोगों का, अपने ब्रिटेन का, लेकिन क्या होता है कि उसमें इतना लॉस होता है, इनके पास कोई एक मतलब ऐसा बैटल शिप ही नहीं बचता है कि वो मतलब अब उनकी कंपनी भी लेके जा सके, तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं ये लोग। तो इसलिए एक मेन जो है काम जो है रीज़न था, जो वीकनेस का था, वो जो है नेवल स्ट्रेंथ कमज़ोर था इनका।
द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स स्टार्टेड इनटू द इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर। देखिए पहले जो है पोर्चुगीज आए, फिर जो है आपके जो है डच आए, फिर आपके जो है इंग्लिश आए, और उसके बाद फिर आपके फ्रेंच आए। तो ये चीज है पहले। ठीक है, तो इसमें जो है हमें सुमेल करना है, मिलाना है लिस्ट वन लिस्ट टू। देखो पुडुचेरी जो है कैप्चर हुआ था, फ्रेंच ने कैप्चर किया था पुडुचेरी को, किसने? फ्रेंच ने। गोवा को पोर्चुगीज ने, ट्रावनकोर को डेनिस ने, और आपका है सदर्स उसको डच ने। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करना है कि यूरोपियंस गॉट द बेस्ट शोरा एंड ओपियम। सबसे ज़्यादा अच्छा शोरा और ओपियम कहाँ से मिलता है? बिहार से मिलता है इनको, कहाँ से? बिहार से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच हुज रेन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। तो कौन सी जगह थी? वही बिहार थी। बिहार में जो है बहुत फेमस था ओपियम। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। तो सबसे लास्ट में कौन आया था? आपको पता है ये फ्रेंच आए थे। ठीक है, तो पोर्चुगीज 1498 में आए। ठीक है, कोची में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। डच जो है 1602 में आया। मसूरीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। 1600 में जो है इंग्लिश आए और सूरत में किया, और 1664 में फ्रेंच आया और उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई अपनी। अब देखिए हमें कंसीडर करना है, और ये जो है इसको हमें पढ़ना नहीं क्योंकि सारे गलत हैं। देख लीजिए, एब्सेंस ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड इक्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द। देखिए इन्होंने कहा कि अंग्रेज पढ़ ही लेते, देख लीजिए आइए। असेसमेंट किया पहले कौन? जो अंग्रेज लोग थे वो असेसमेंट करते थे लैंड रेवेन्यू जो है नेचर का, सॉइल का कैसा नेचर, सॉइल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्रॉप की क्वालिटी कैसी होगी, और तब वो जो है उस पर टैक्स लेते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये चीज़ ये लोग नहीं किए थे। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, इनका भी ये भी इन्होंने नहीं किया था, ये तो बाबर ने किया था। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, तो ये जो है किसने किया था? ये आपके पोर्चुगीज ने किया था। तो देखिए, तो ये लैंड रेवेन्यू असेसमेंट करने का टैक्स लेने से पहले शेर शाह सूरी का है, और बाद में अकबर ने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज ये पोर्चुगीज लोग इंडिया में लाए थे। मोबाइल जो वॉर कैनन से मुगल एरा का था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।